हेलो दोस्तों, ज्योति इंडिया रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मछली कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। अब मछली को हमने साफ कर लिए हैं दोस्तों। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है दोस्तों और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मछली हम डाल देंगे जितना कि तेल में आ सके और मछली को आराम आराम से इसे पलट लेंगे। अब मछली को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा डीप फ्राई करने से मछली में चिमड़ापन आ जाता है। अब मछली हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब उसको एक एक करके हम निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के सारे मछली हम फ्राई कर लेंगे। अब हमारा सारा मछली अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम ग्रेवी बना लेंगे और ग्रेवी बनाने के लिए हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं और 1/2 चम्मच नमक लिए हैं और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा गोलकी पाउडर और थोड़ा सा मेथी दाना, 1/2 कटोरी पीला सरसों का पेस्ट लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिए हैं। अब बचा हुआ तेल में ही मेथी दाना डाल देंगे और उसको चटकने देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद सरसों का पेस्ट डाल के थोड़ी देर हम भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल देंगे। फिर थोड़ी देर हम भून लेंगे। उसके बाद हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद थोड़ी देर हम भून लेंगे। उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। उसके बाद हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी ही गल जाता है और अच्छे से पक जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम भून लेंगे। अब हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और अच्छे से मसाला को हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने से अच्छे से मसाला मिल भी जाता है और पक भी जाता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए। अब ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों, देखिए। फिर जीरा गोलकी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर हम बॉयल आने देंगे। अब अच्छे से उबाल आने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके मछली डाल देंगे और उसको 2 मिनट बॉयल आने देंगे। अब हमारा मछली बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर हमारा मछली बनाने का यह तरीका अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।